हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ के कलेक्शन आपके लिए लेके आया था, इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 3 बॉलीवुड टाइम ट्रेवल मूवीज़। दोस्तों, मैंने इन तीनों मूवी को मेरे अकॉर्डिंग रैंक वाइज रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी रैंक लिस्ट में नंबर 3 रैंक पर मूवी है लव स्टोरी 2050। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2008 में। ये एक रोमांस स्काईफाई मूवी है। इस मूवी के मेन लीड कास्ट है हरमन बावेजा, प्रियंका चोपड़ा एंड बोमन ईरानी। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक कपल की, लव स्टोरी की, जिनका नाम होता है करण और सना। और इस मूवी में एक साइंटिस्ट भी होते हैं जो अपने लाइफ के 15 ईयर्स एक टाइम मशीन बनाने में लगा देते हैं। कुछ दिन बाद एक कार एक्सीडेंट में सना की डेथ हो जाती है। उसके बाद करण अपने अंकल की हेल्प लेकर एक टाइम मशीन में फ्यूचर में जाता है सना को लाने के लिए। आगे की स्टोरी इस मूवी में देखना दोस्तों, क्या वह सना को लेने में कामयाब होता है या नहीं। इस मूवी को 2.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, यह मूवी इतनी खास चली नहीं, इसलिए दोस्तों यह मूवी हमारे रैंक लिस्ट में नंबर 3 पर है। दोस्तों, अब बारी है हमारे रैंक लिस्ट की सेकंड मूवी की। इस मूवी का नेम है फंटूश। यह मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2003 में। यह एक कॉमेडी एडवेंचर स्काईफाई मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है 3 चोर की। इन तीनों चोर को एक चोरी के लिए हायर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उनको एक एग्जीबिशन में महाराजा बाबू शाह का प्राइसलेस क्राउन चुराना होता है। लेकिन ऑक्शन के दौरान उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और वे भागते भागते एक ऐसी दीवार से टकरा जाते हैं जो उन्हें 21 सेंचुरी से 10th सेंचुरी में पहुंचा देती है। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि वहां एक फिल्मी सेट पर है और वह बिल्कुल भी वहां सीरियस नहीं होते। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी में देखना दोस्तों। अगर दोस्तों आप एक कॉमेडी मूवी ढूंढ रहे हो तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है। इस मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। दोस्तों, हमारी रैंक लिस्ट में फर्स्ट मूवी है बार बार देखो। यह मूवी आई थी ईयर 2016 में। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के हमारे मेन कास्ट है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है जय वर्मा और दिया कपूर की। जय मैथमेटिक प्रोफेसर होता है और दिया एक आर्टिस्ट होती है। दिया जय से शादी करना चाहती है लेकिन किसी रीति रिवाजों के कारण उसका मन बदल जाता है और वह परेशान हो जाता है इन चीज़ों को सोचकर। वह ड्रिंक कर लेता है लेकिन अचानक वह एक टाइम लूप में फंस जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को थाईलैंड हनीमून के लिए पहुंच जाता है। ऐसे ही वह उठने के बाद अलग अलग समय पर पहुंच जाता है। वह एक बड़े से टाइम लूप के अंदर कैद हो जाता है। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी में देखना दोस्तों। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी को 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb पर। आई होप दोस्तों आपको आज का टाइम ट्रेवल मूवी का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।